नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल द ज़ील पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जेम। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, जो टॉपिक है स्कूटर चूज करें या फिर मोटरसाइकिल। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि स्कूटर चूज करें या फिर मोटरसाइकिल। मीन्स जो भी लोग नया खरीदने जा रहे हैं वो सोचते हैं मोटरसाइकिल खरीद लिया या स्कूटर। जो भी लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सोचते हैं स्विच करें स्कूटर के ऊपर या ना करें, या जो भी लोग स्कूटर चलाते हैं वो भी सोचते हैं मोटरसाइकिल की तरफ स्विच करें या ना करें। तो ये वीडियो देखते रहिए और आपको मैं बताऊंगा आपको कौन सा चीज लेना चाहिए, स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं अपना एक चैनल का नया वर्जन शुरू करने जा रहा हूँ पहले वीडियो में। तो आपको ये इंट्रो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा। ये इंट्रो जो बनाया है मेरे लिए वो है आई बटन में, लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार देख लेना। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसने मेरा ये इंट्रो बनाया है। तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मैंने 6 पॉइंट में इसको डिवाइड किया है और 6 पॉइंट मैं पॉइंट वाइज जाऊंगा आपको बोलते बोलते, और बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको ये वीडियो में बोल दूंगा स्कूटर चलाना या फिर बाइक चलाना कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। जो 6 पॉइंट है वो है ये: कंफर्ट एंड हैंडलिंग, सेफ्टी, यूजिबिलिटी, माइलेज, परफॉर्मेंस, और लास्ट में एक बोनस है पॉइंट जो मैं लास्ट में ही आपके सामने रिवील करने वाला हूं। तो पहले आते हैं कंफर्टेबल और हैंडलिंग के बारे में। स्कूटर और बाइक अगर हैंडलिंग के बारे में आते हैं, अगर आप सिटी के अंदर चलाना चाहते हैं तो बहुत सारा पॉटहोल्स रहता है सिटी के अंदर, उसके साथ सिग्नल्स वगैरह रहता है, भीड़ रहता है, ट्रैफिक रहता है। तो जहां पर आपको अगर स्मूथ जाना है तो आपके लिए स्कूटर बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्कूटर में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक गियर होने की वजह से गियर चेंज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मोटरसाइकिल में आपको कंटिन्यूअसली गियर चेंज करना पड़ता है, जिसके वजह से थोड़ा सा स्मूथनेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन स्कूटर में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वाइस वर्सा कंपेयर करें कि आपको कहीं दूर जाना है, थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेवल करना है, आपको हाईवे में ट्रेवल करना है, तो आपके लिए स्कूटर से बेहतर बाइक ही होगा, मीन्स मोटरसाइकिल ही होगा। स्कूटर से मोटरसाइकिल का सस्पेंशन बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपको अगर बाहर जाना है या फिर टूरिंग में जाना है तो आपके लिए स्कूटर से ज्यादा अच्छा मोटरसाइकिल है। कई कई लोग पूछेंगे कि स्कूटर में क्या आप ट्रेवल नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल जर्नी चाहते हैं तो आपके लिए मोटरसाइकिल ज्यादा अच्छा होगा। अभी आते हैं सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग जब भी आप राइड करते हैं, चाहे वो स्कूटर हो या फिर मोटरसाइकिल हो, आप हेलमेट जरूर पहननी है। अभी आते हैं स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल कौन सा ज्यादा सेफ्टी है। सेफ्टी के मुकाबले अगर आप सेफ्टी का अगर कंपेरिजन करते हैं तो स्कूटर में सेफ्टी थोड़ा सा कम रहता है। इसका रीजन मैं अभी पहले बता देता हूँ कि मोटरसाइकिल में जो ब्रेकिंग सिस्टम रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड रहता है, क्योंकि अभी जितना भी मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च हो रहा है आप देख सकते हैं ABS के साथ आ रहा है, या फिर डुअल चैनल ABS के साथ आ रहा है, या फिर डुअल चैनल डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। लेकिन अभी तक स्कूटर जितना भी लॉन्च हुआ इंडिया में, कहीं भी ABS तो है ही नहीं। किसी किसी स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और मैक्सिमम स्कूटर में जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है अगर आप मोटरसाइकिल से कंपैरिजन करें तो। लेकिन एक आपको फैसिलिटी अच्छा मिलता है, फैसिलिटी नहीं बोल सकते, एक आपको चांस ज्यादा अच्छा मिलता है अगर स्कूटर लेकर के जाते हैं और एक्सीडेंट किसी भी रीजन से होता है। मैं विश करूंगा किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो स्कूटर में आप चला रहे हैं तो आप स्कूटर से जंप करके निकल सकते हैं, या फिर स्कूटर आपके ऊपर गिर भी जाए बहुत ज्यादा चोट नहीं लगता, क्योंकि स्कूटर का जो वेट है वो थोड़ा कम रहता है मोटरसाइकिल से। और अगर बाइक का बात करें, आप अगर ब्रेक इस्तेमाल करके भी एक्सीडेंट को रोक ना पाए तो बाइक से आपको अगर जंप करना है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर बाइक आपके ऊपर गिर जाता है तो वो बहुत भारी रहता है। तो स्कूटर से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। उसके साथ साथ अगर आप स्कूटर का और मोटरसाइकिल का स्पीड का कंपैरिजन करें, मोटरसाइकिल का जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है स्कूटर से, तो एक्सीडेंट होने पर चोट ज़्यादा लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस मोटरसाइकिल में है। फिर भी मैं बोलूँगा अगर आपको सेफ्टी के हिसाब रखना है तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बाइक का, मीन्स मोटरसाइकिल का, तो आप चूज कर सकते हैं उसमें से। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जल्दी से आते हैं। अभी आते हैं यूजिबिलिटी के ऊपर। यूजिबिलिटी अगर बोलते हैं मीन्स उसको कैसे यूज़ करते हैं स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल का, अगर यूजिबिलिटी कंपेरिजन करें
स्कूटर में जो है यूजेबिलिटी बहुत इजी है। इसका रीजन ये है कि आपका पैर का कोई इस्तेमाल नहीं रहता। आप अगर सिर्फ स्कूटर को रोक के पैर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं तभी आपका पैर का इस्तेमाल रहता है, बाकी जो भी है हाथ में इस्तेमाल रहता है। क्लच का कोई इस्तेमाल नहीं रहता, गियर शिफ्टिंग का कोई इस्तेमाल नहीं रहता। लेकिन आप अगर मोटरसाइकिल से कंपेरिजन करें वहां पर आपका दोनों हाथ दोनों पैर बिजी रहते हैं। एक क्लच का काम करता है, एक्सीलेटर का काम करता है, लेफ्ट फुट आपका गियर चेंज करता है, राइट फुट ब्रेकिंग लेता है, तो फिर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। ठीक है, मुझे पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन जो लोग बाइक चलाते हैं उनके लिए बहुत इजी रहता है। स्कूटर का यूजेबिलिटी बहुत ही इजी है, तो फैमिली का हर पर्सन स्कूटर चला सकते हैं। मीन्स अगर स्कूटर एक फैमिली में आ जाए तो हर कोई स्कूटर चला सकता है। बाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है जिसकी वजह से बहुत लोग बाइक चलाना अवॉइड करते भी हैं। माइलेज ऑफ कोर्स जो भी ऑटोमेटिक गियर सिस्टम रहता है उसमें माइलेज कम मिलता है। मीन स्कूटर में ऑटोमेटिकली आपको माइलेज कम मिलेगा। जो भी है आप 150 सीसी का, 125 सीसी का या फिर 110 सीसी का स्कूटर के साथ अगर सेम सीसी का मोटरसाइकिल का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल में माइलेज ज़्यादा दे रहा है। ये कार में भी एप्लीकेबल है। मीन्स जो भी ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग का कार रहता है उसमें माइलेज कम मिलता है। तो सेकेंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। तो स्कूटर और मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अगर कम्यूटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स बाजार जाना है, ऑफिस जाना है या फिर आपको स्टेशन जाना है, घर से थोड़ा सा दूर है 2-3-5-10 किलोमीटर, तो आप अगर स्कूटर से जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा कि आपके पहले जैसे मैंने बोला था यूजबिलिटी बहुत ईजी है। लेकिन आप अगर एक्सेलरेशन की बात करें, पिकअप का बात करें, तो आपको मोटरसाइकिल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर आपको जाना है थोड़ा सा दूर तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा मोटरसाइकिल में जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो किसी भी हाल में स्कूटर में नहीं मिल सकता। जो पिकअप मोटरसाइकिल में मिलेगा, जो पिकअप जो सस्पेंशन आपको मोटरसाइकिल में मिलेगा या फिर जो भी सेफ्टी ब्रेकिंग सिस्टम मोटरसाइकिल में मिलेगा वो आपको स्कूटर में नहीं मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मोटरसाइकिल आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आते हैं लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एडिशनल पॉइंट में बोला था वो है आपका व्यू। आपका व्यू जो है वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जो आपको पसंद आया स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं वो पढ़ूंगा। अच्छा लगा तो मैं जरूर उसमें एक हार्ट दे दूंगा। मैं अपनी तरफ से बोलूंगा मैं अपना स्कूटर जो चला रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। इसका रीजन ये है कि मैं जो करता हूँ इजी गोइंग प्रोसेस में काम करने के लिए मैं स्कूटर खरीदा हूँ और स्कूटर मैं चला रहा हूँ सिटी के अंदर। तो आप लोगों का कमेंट का मैं इंतजार में रहूंगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बटन भी है जिसमें आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो मैं अगर कुछ भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब में तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, वो मेरा वीडियो का जो भी इस्तेमाल होता है गैजेट्स या फिर जो भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जो भी यूज होता है उसका मैं लिंक दे दिया हूँ। अगर आपको देखना है या फिर कुछ खरीदना है तो वहां पर आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे किसी और वीडियो में। जय हिंद। स्कूटर या फिर स्कूटर आपके लिए बेहतर होगा। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहता है स्कूटर के हिसाब से। लेकिन लास्ट में जो है सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। अच्छा ये वीडियो अगर आपको लास्ट में मैं बोलूं लास्ट में ये वीडियो अगर